स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की क्या ज़रूरत पड़ी? जब हमने वेलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी, वेलेंस बॉन्ड थ्योरी का ये कंसेप्ट था कि हम ओनली वेलेंस इलेक्ट्रॉन ही कंसिडर करेंगे इन फॉर्मिंग मॉलिक्यूल। बट इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सभी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। वेलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बोला था कि ये इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व होने होते हैं इन फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। बट इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सभी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। वेलेंस इलेक्ट्रॉन का मेजर रोल होता है, बट हम इसके 1s के रोल, या हम बोल सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन के रोल को डिनाई नहीं कर सकते। अगर हम डिनाई करेंगे तो हमारे, अगर हम ये कंसेप्ट लेकर चलेंगे VBT का, तो कई क्वेश्चन जो JEE नीट में आते हैं वो गलत हो सकते हैं अगर हम ये वेलेंस बॉन्ड थ्योरी का कंसेप्ट लेकर चलेंगे। हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यूज़ करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है वो तीन कंसेप्ट पे बेसिस होती है, या तीन हम कह सकते हैं कि इसके थ्रू हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बना सकते हैं। सो फर्स्ट इज़ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो मिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, वो एक प्रिंसिपल के थ्रू होती है जिसे हम बोलते हैं LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन में देखा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल दे रहे हैं, बट इन दिस केस एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके, मिक्स होके हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देंगे। सो हाइब्रिडाइजेशन और LCO प्रिंसिपल में डिफरेंस होता है। हाइब्रिडाइजेशन में ही हम मिक्सिंग पढ़ रहे थे और इसमें भी हम मिक्सिंग पढ़ेंगे, तो इनमें क्या डिफरेंस है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ MOD। MOD इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे? अगर हमारे पास MOs बन रहे हैं, MOs इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को अरेंज करते थे 1s, 2s, 2p, सिमिलरली हम जो एटॉमिक ऑर्बिटल के कम्बिनेशन से, मिक्सिंग से MOs बनेंगे, उन्हें हम अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। जो डायग्राम आएगा उसे हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। थर्ड वन इज़ फिलिंग ऑफ MO। MO इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो फिलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फिल करते थे अकॉर्डिंग टू F4 प्रिंसिपल, हंट्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो सिमिलरली इनमें भी हम वैसे ही फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम डिफरेंस देखेंगे कि LCO और हाइब्रिडाइजेशन में क्या डिफरेंस है, फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे MOT। हाइब्रिडाइजेशन VBT का कंसेप्ट था, जो LCAO है वो MOT का कंसेप्ट है। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता था, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जी कंबाइन करते थे, मिक्स होते थे टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी। जैसे यहाँ पे 2p था और यहाँ पे 2s, तो इन्होंने सेम एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म किए, तो इनमें जो था एनर्जी गैप डिक्रीज होता था, एनर्जी गैप डिक्रीज बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बट इन केस ऑफ LCO, यहाँ पे हमने इसके केस में पढ़ा एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जी ऑफ सेम एटम ले रहे थे, यहाँ पे सेम एटम। बट इन दिस केस एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो सेम एनर्जी के होते हैं और ऑफ डिफरेंट एटम के, सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे 2p और 2p, ये एक ए एटम है और ये एक बी एटम है, इसके सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, ये मिक्स होके MOs मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे जिनकी एनर्जी डिफरेंट होगी। इसकी एनर्जी सेम आ रही थी,
इनकी एनर्जी डिफरेंट होएगी. सो सेम और एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म एमओज ऑफ डिफरेंट एनर्जीज, और इनमें जो एनर्जी गैप होता है वो इनक्रीज करता है बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स. तो ये था डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट और LCO कंसेप्ट. तो हम नेक्स्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.